In this video, we will refer the basic concepts of electric current. So here in this chapter, we have the following main important points to study about. Electric current in a conductor, electric potential and potential difference, Ohm's law, resistance and resistivity, electric circuits, combination of resistors, heating effects of current, electric power. So these are the main points जो कि हमें पढ़ने हैं electric current, effect of electric current और I can say current electricity chapter में. So friends, whenever we think of electricity, we think of all electric appliances we use in our day-to-day life. हम जब भी electricity के बारे में सोचते हैं, तो हमें obviously जो हम घर में electric appliances use करते हैं, उनका ख्याल आएगा. So in our home, electricity is used just for lightning, lightning tubes and bulbs, operating fans, heating purposes, and for various other purposes as well. इसके अलावा industries में भी electricity का use किस प्रकार से? In industries, electricity is used to run various types of machines. Now friends, just like हम यहाँ पे bulb का image देख रहे हैं. So if we switch on the bulb, it will give the glow. And if we switch off, if we do switch off, then it stops giving glow. So इस बल्ब के ग्लो देने के पीछे क्या कारण रहा? No doubt the concept of electricity. So friends, it becomes so difficult for us to live without light and even without electricity. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी जीवनचर्या सोचें, तो it is quite difficult for us to think about. Even friends, आप यहाँ पे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, लेकिन मुझे देख नहीं पा रहे हैं और स्क्रीन पे पिक्चर्स देख रहे हैं. तो ये एक तरीके का वर्चुअल टॉक हो गया हम मेरी और आपके बीच में. तो यहाँ पे भी इवन वी आर टॉकिंग हेयर और इंटरेक्टिंग हेयर इज ऑल्सो ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि जितने भी ये अप्लायंसेस हम चला रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन जो भी चल रहा है, स्पीकर चल रहा है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है. नाउ फ्रेंड्स, बिफोर वी आर एबल टू डिस्कस द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और वी शुड नो द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट एवरी एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन. जस्ट लाइक एवरी एटम कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल. बेसिकली पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिकल है जो न्यूक्लियस, एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. तो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में हम इस प्रकार से एजम्पशन लेते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और आई कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज जस्ट नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स परिभाषा इज नॉट कंप्लीट. तो किस प्रकार से इसको कंप्लीट करा जाएगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और आई मे राइट फ्लो ऑफ free electrons. Flow of free electron is known as electricity. Now friends, electric current is nothing. It is a flow of electric charge or flow of free electrons. So according to the definition, hum electric current ko is prakar se define kar sakte hain. If electric current is expressed by symbol I, so I can define electric current that flow of charged particles per second or per unit time is known as electric current through a conductor. So flow of charged particle per second. So electric current is expressed by the amount of electric charge flowing through a particular area per second. और इसको और किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ अ चार्ज. इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट.
तो करंट को आई से डिनोट किया जाता है, चार्ज को क्यू से, और यहाँ पे टाइम टी के लिए यूज किया है। नाउ फ्रेंड्स, फर्दर इफ आई टॉक अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट विच इज एम्पियर। सो एम्पियर नेम इज गिवन बाय द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट इट इज द नेम विच इज गिवन आफ्टर फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर। और एम्पियर को डिनोट किया गया ए से। फर्दर इफ आई टॉक अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, देन इट कम्स टू बी कूलम, डिनोटेड बाय सिंबल सी। फर्दर यहां पे एसआई यूनिट टाइम के लिए यूज करी गई है, सेकेंड। सो फ्रेंड्स, आई कैन डिफाइन 1 एम्पियर। तो अभी हमसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, कैन यू डिफाइन 1 एम्पियर, तो यस, आई कैन डिफाइन 1 एम्पियर इन दिस मैनर। 1 एम्पियर। नाउ व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। When 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge flows through a conductor in one second, then the current flowing through it is said to be 1 ampere. Further, I can use a smaller unit of ampere also, just like I can write milliampere. Numericals में इस प्रकार से यूनिट भी यूज करी जाती है। तो मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल, दिस इज जस्ट एज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल, देयर आर लॉट्स ऑफ सब्सिडियरी यूनिट। सब्सिडियरी यूनिट मींस मिली। सो हम यहाँ पे एक डिस्कस करते हैं, मिली एम्पियर इक्वल्स टू 1/1000 एम्पियर, विच इज फर्दर इक्वल्स टू 1 MA, और इट कैन बी रिटन एज फर्दर 10^-3 एम्पियर। So friends, in this manner we can define unit ampere. And just like यहाँ पे milli ampere, there are lots of substitute units, just like kilo, micro, mega. We will use these units in our further lectures.